नमस्कार दोस्तों। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो तरंग का पार्ट चल रहा था, व्यू ऑप्टिक्स का पार्ट हम लोगों ने चला रखा है। उसमें हम लोगों ने जो बेसिक पार्ट था उसका वो कंप्लीट कर लिया है। बेसिक का मतलब उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म थी वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। आज उसी पार्ट को हम वहाँ से आगे बढ़ाते हैं और वहाँ से आगे तरंग का जो वर्गीकरण है उस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। तरंग का वर्गीकरण, तरंग के जो प्रकार हैं उन चीज़ों के बारे में पूछा गया। तो तरंग को मुख्य रूप से दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, याद रखना। तो पहला पार्ट है उसका अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी जो टाइप है वो टाइप है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। जिस टाइप की हम बात कर रहे हैं वो वर्गीकरण दिशा के आधार पर है। अनुप्रस्थ तरंग, इसमें ध्यान रखना अनुप्रस्थ तरंग में कि अनुप्रस्थ तरंग किसको बोलेंगे, जब तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा और कण की गति की दिशा, कण की गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। कैसे? तरंग संचरण की दिशा और कण की गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। अब देखो एग्जाम्पल याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था रस्सी, रस्सी का एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं ये रस्सी है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ का एक सिरा, इसका एक सिरा पकड़ के अब ऊपर नीचे रोटेट करवाया जाता है तो तरंग किस दिशा में निकलती है, आगे की तरफ। तो तरंग तो जा रही है आगे की तरफ और कण गति किस दिशा में कर रहा है, ऊपर और नीचे। अगर हम बात कर लें कि जो तरंग है वो एक्स दिशा में गति कर रही है तो कण को हम किस दिशा में गति करवा रहे हैं, वाई दिशा में, और एक्स वाई एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसी कंडीशन जहां भी बनेगी तरंग संचरण की दिशा और कण की गति की दिशा एक दूसरे के अगर लंबवत होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, ठीक है। और यही सेम चीज अनुदैर्ध्य तरंग में क्या आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर। तरंग संचरण की दिशा और कण की गति की दिशा अगर दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो क्या आ जाएगा, उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग हम बोलेंगे। ये इन दोनों की परिभाषा है, ठीक है। लंबवत होगी दोनों की दिशा तब तो अनुप्रस्थ, और दोनों के समांतर हो जाएंगे तब। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, अनुप्रस्थ जो तरंगें होती हैं इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मान लो हमें अनुप्रस्थ तरंग को गति करवानी है तो उस कंडीशन में हमें माध्यम की जरूरत नहीं है, ये बिना माध्यम के ही भी गति कर सकती है। लेकिन अनुदैर्ध्य जो होंगी उसके लिए माध्यम आवश्यक होगा, बिना माध्यम के अनुदैर्ध्य जो तरंगे होंगी वो गति नहीं करेगी। दोनों पॉइंटों में, इन दोनों क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार तो इन दोनों में रिलेशन वगैरह नहीं, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बोल दिया जाएगा दोनों के में से माध्यम किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए जरूरी है, बिना माध्यम के कौन सी तरंग गति नहीं करेगी, तो उसमें कौन सा आ जाएगा, अनुदैर्ध्य आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट अगर बात करें तो अनुदैर्ध्य जो होती है, अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं इसको ध्रुवित किया जा सकता है, ध्रुवित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्रुवित करने का मतलब समझेंगे हम पहले यहां।
मान लेते हैं टॉर्च हमारे पास होती है और टॉर्च से जहाँ हमें, मान लो टॉर्च को ऑन किया, जहाँ हमें प्रकाश डालना हो या रोशनी, जहाँ हमको चीज़ें देखनी होगी, वहाँ हम एक दिशा में उसको संचरित कर सकते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम बोलें तो मान लो हमें जहाँ तक आवाज़ पहुँचानी है उसी दिशा में अगर मुँह साइड में हम बोलेंगे तो क्या आवाज़ केवल और केवल उसी दिशा में सुनाई देगी या उसी जगह पर पहुँचेगी, बाकी साइड में नहीं पहुँचेगी। जैसे मान लेते हैं प्रकाश जो है, टॉर्च से लाइट जलाई जाती है तो प्रकाश एक पॉइंट पर फिक्स जाता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो आवाज़ हमारे चारों तरफ निकलती है। तो अगर तरंग को केवल एक फिक्स दिशा में निर्देशित किया जा सकता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसको हम ध्रुवित कर सकते हैं। इसका मतलब जो टॉर्च से हम प्रकाश डालते हैं वो एक क्या होती है, उसकी ध्रुवित अवस्था होती है। लेकिन ध्वनि जब हम बोलते हैं तो ध्वनि को एक दिशा में नहीं किया जा सकता ध्रुवित, तो अनुदैर्ध्य जो होगी इसको ध्रुवित नहीं कर सकते, ध्रुवित नहीं कर सकते। अभी जो मैंने एग्जांपल बोला है उसी से हम इस चीज को याद रख सकते हैं। चलो अब इनके एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल अनुप्रस्थ के होंगे और कौन कौन से अनुदैर्ध्य के होंगे। देखो एक तो हम लोगों ने अभी देखा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें। पहले अनुप्रस्थ जो तरंग होती है ये मुख्यतः ठोस में होती है। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है वो मुख्य रूप से ठोस में गति करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गैस या द्रव में ये गति नहीं करेगी, करेगी, लेकिन मुख्य रूप से ठोस में होती हैं। और ये भी मुख्य रूप से किस में होगी, गैस में होगी। तो अनुप्रस्थ जो तरंग होगी वो मुख्य रूप से ठोस में गति करेगी और जो अनुदैर्ध्य होगी वो मुख्य रूप से गैस में गति कर रही होती हैं। ठीक है, चलो एक याद रखो इसमें कि जो रस्सी वाली जो तरंग का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो वो तो हम समझ चुके हैं किसमें है, अनुप्रस्थ में है। लेकिन जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग होती है वो कौन से में होती है, अनुदैर्ध्य में होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य का पार्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें जल तरंग जो पानी में तरंग बनती है वो किस प्रकार की होती है, तो ये ध्यान रखना कि जल जो तरंग होगी वो तरंग दोनों प्रकार की होंगी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य भी। देखो कैसे, मान लेते हैं ये कोई तालाब है और इसमें पानी है और इसमें जैसे ही हम पत्थर डालते हैं तो क्या होगा, इस प्रकार वेव बननी स्टार्ट हो जाती है। भाई हम लोग जो तालाब होगा उसमें अगर पत्थर डालते हैं तो उस प्रकार उसमें लहरें बननी स्टार्ट हो जाती हैं। वो जो तरंग बनती हैं तो वो तो सरफेस के ऊपर गति करती है ना, ऊपर का जो पानी होता है उसके पार्ट के अंदर गति करती हैं। तो जैसे ही हम पत्थर डालेंगे तो ये जो ऊपर की तरफ गति कर रही हो, पत्थर कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, और ये वेव ऊपर की तरफ सतह के ऊपर है। तो ये जो प्रकार बनेगा तरंग का ये किस प्रकार का है, क्योंकि पत्थर नीचे जा रहा है और तरंग सतह के ऊपर है, ये तो किस प्रकार का हो जाएगा, अनुप्रस्थ का हो जाएगा। लेकिन पत्थर के साथ साथ एक वेव अंदर भी बनती है, जैसे जैसे पत्थर जाता है उसके साथ साथ कण दिखाई देते हैं हमें लगातार। ठीक है, अगर साफ पानी होगा तब ये चीजें दिखाई देंगी। तो ये जो अंदर वेव बनती है तो पत्थर भी नीचे जा रहा है और वेव भी नीचे इसके साथ गति कर रही होती, तो वो किसका प्रकार होगा, अनुदैर्ध्य का होगा। एक भूकंप का जो एग्जाम्पल है वो भी दोनों प्रकार का है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो ध्यान रखना जो जल तरंग है और भूकंप है, भूकंप भी एक प्रकार की तरंग है, तो ये दोनों जो एग्जांपल हैं वो दोनों किसके हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों के हैं। जो सतह के ऊपर तरंग इनमें बन रही होगी वो तो होगी अनुप्रस्थ की, और अंदर जो बन रही होगी वो किस प्रकार का होगा। तो एक दिशा के आधार पर हमने देखा है कि जो वर्गीकरण होता है तरंग का उसमें तरंगें दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अगर दिशा दोनों की लंबवत तो है कण की और तरंग की, तब तो अनुप्रस्थ और दोनों समांतर हैं तब। ठीक है, ज़्यादातर यही पार्ट पूछा है, अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं एक पार्ट और करवा लेता हूँ कि ऊर्जा के आधार पर तरंगों को दो भागों में और डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो
ये जो पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो दिशा के आधार पर है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो ऊर्जा के आधार पर है, और ऊर्जा के आधार पर में जो पहला भाग है वो है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, वैसे नाम से ही आपको पता होगा यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा, तो यही यहां भी यही आएगा। यांत्रिक जो तरंग होगी उसमें जो ऊर्जा गति ऊर्जा होगी, तरंग के अंदर हमने परिभाषा में यही देखा था कि तरंग में क्या होता है, तरंग में दो ऊर्जा और संवेग दोनों का स्थानांतरण होता है, और तो यहां जो यांत्रिक तरंग है इसमें कौन कौन सी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ऐसी तरंग जिनमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है क्या कहलाएगी, यांत्रिक तरंग कहलाएगी। इसके अलावा इसमें सिर्फ एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इसमें तो हो ही जाएगा ना, जब गति ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थिति ऊर्जा कम हो जाएगी, जब स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी तो गति ऊर्जा कम हो जाएगी। यहां ये रहेगी कि ये निर्वात में गति नहीं करेंगी, निर्वात में गति नहीं करेगी। दूसरा जो पार्ट होगा वो है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऊर्जा के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें क्या होगा, इसमें भी दो प्रकार की ऊर्जा होगी, ये विद्युत ऊर्जा प्लस में चुंबकीय ऊर्जा, दो ऊर्जा इसमें एक साथ काम आ रही होगी। जैसे विद्युत ऊर्जा बढ़ेगी तो चुंबकीय ऊर्जा एक साथ चेंज हो जाएगी, या चुंबकीय ऊर्जा, ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष चेंज होती रहेगी। शायद पहली या दूसरी क्लास में मैंने ये भी चर्चा की थी कि विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों एक ही होती हैं, विद्युत और चुंबक दोनों अलग अलग नहीं होती हैं। इस चीज़ के बारे में फुल डिस्कशन हम करेंगे जहां विद्युत धारा हम पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि विद्युत चुंबकीय तरंग होंगी उसमें ऊर्जा दो रूप में हो सकती है, विद्युत ऊर्जा और चुंबक ऊर्जा के रूप में हो सकती है। और विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं ये निर्वात में गति कर सकती हैं, बस दो दो पॉइंट इनके ध्यान रख लेना बहुत है, निर्वात में गति इनकी संभव है। तो जो गति इसका तरंग का जो वर्गीकरण था वो यही है, एक तो दिशा के आधार पर और एक ऊर्जा के आधार पर, दिशा के आधार पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य और ऊर्जा के आधार पर ये, और इनमें दो दो पॉइंट ध्यान रखने, कौन कौन सी इसमें ऊर्जा है, ये निर्वात या माध्यम के बिना गति कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस इतनी सी चीज इसमें ध्यान रखनी। अब मैं इन चारों को एक जगह मिक्स कर लेता हूं, उसके बाद देखेंगे इनके एग्जाम्पल भी देख लेंगे। देखो यही रख लेते हैं हम लोग, यांत्रिक तरंग है और यहां मैं लिख लेता हूं अनुप्रस्थ, और यहां मैंने लिख दिया अनुदैर्ध्य। तो यहां से हम क्या कर लेंगे कि यांत्रिक तरंग और अनुप्रस्थ तरंग जो दोनों पर टाइप की होगी वो इसमें लिख देंगे, और अनुप्रस्थ तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी वो मैं आगे लिख दूंगा, अनुदैर्ध्य तरंग जो यांत्रिक की होगी वो मैं यहां लिख दूंगा। तो इतनी चीजें तो शायद अब समझ रहे होंगे। देखो कौन कौन सी हो जाएंगी, रस्सी में जो तरंग होगी, रस्सी वाली, वो यांत्रिक प्रकार की भी होगी और अनुप्रस्थ प्रकार की भी होगी, लेकिन जो प्रकाश के रूप में जो तरंगे आएंगी या एक्सरे जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकार होता है, साथ के साथ किसका होता है, अनुप्रस्थ का भी प्रकार होता है ये। नेक्स्ट अगर देखिए बात करें हम लोग अनुदैर्ध्य और यांत्रिक की, तो जो स्प्रिंग होती है और जो ध्वनि होती है, स्प्रिंग और ध्वनि, तो स्प्रिंग और ध्वनि दोनों किसका प्रकार है, अनुदैर्ध्य का, अनुदैर्ध्य का होने के साथ साथ ये किसका प्रकार भी है, यांत्रिक का भी प्रकार है, और ध्वनि तो हम पढ़ेंगे चैप्टर के रूप में भी पढ़ेंगे इसी में पार्ट में रूप में। नेक्स्ट देखें विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश और एक्सरे है, ये साथ के साथ किसका प्रकार भी है, अनुप्रस्थ का प्रकार भी है। अब ये ध्यान रखना ऐसी कोई भी तरंग नहीं है
जो विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकार भी हो और किसका प्रकार हो, अनुदैर्ध्य का भी हो। तो ये वर्गीकरण है, छोटा सा पार्ट है हमारे पास वर्गीकरण से रिलेटेड। कई बार पूछ ली जाती है निम्न में से कौन सा है, ये भी डाल देगा क्वेश्चन में कौन कौन सा है, कौन कौन सा मैच नहीं करना है। अब देखो यहाँ इस चैप्टर के बारे में अगर बातचीत करें तो हम लोगों ने जो बेसिक पार्ट इसका था वो कंप्लीट कर लिया, इसका वर्गीकरण हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम ध्वनि के बारे में बातचीत करेंगे कि ध्वनि जो है वो क्या है, और उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या इनके यूज आते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो बेसिक पार्ट जो हमने पढ़ लिया और ध्वनि का जो भी पार्ट होगा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो, ठीक है। और वर्गीकरण सिंपल है, आसान सा पार्ट है। चलिए आज के लिए थैंक यू, इतना ही रहने देते हैं। वर्गीकरण हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट जो भी पार्ट होगा एक ही क्लास में हम लोग ध्वनि का जो भी पार्ट होगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू।